मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। हम में से ऐसा सपना हर बच्चे का होता है जब वो स्कूल में होता है। हम सभी ने सपने देखे होते हैं कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मैं बड़ा होकर वो बनूंगा। लेकिन कुछ लोगों का सपना होता है कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए हमें कुछ एक तैयारी करनी होती है, जो कि हमें स्कूल से ही शुरुआत करनी होती है। तो हमें ध्यान क्या रखना है जब हम स्कूल में है? तो स्कूल में हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम 10th क्लास में है और 10th क्लास पास कर चुके हैं, तो हमें अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन सही से करना है। हमें सिलेक्ट करना है PCB को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ताकि आप मेडिकल फील्ड में आ सकें। उसके बाद दूसरा ध्यान ये देना है कि जब आप 12th क्लियर करें तो आपके पास एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए, ताकि आप किसी भी मेडिकल कोर्स के लिए एलिजिबल हो। क्योंकि किसी भी मेडिकल कोर्स को करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 60% मार्क्स होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप ना तो एंट्रेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे और ना ही किसी डिग्री को परस्यू कर पाएंगे। तो जानते हैं हम ऐसे ही कुछ एक कोर्स के बारे में, जिसमें कि सबसे पहला कोर्स है MBBS। MBBS हाई डिमांडिंग वाला कोर्स है, जो कि एक प्रॉपर डॉक्टर बनने के लिए काफी है। MBBS की फुल फॉर्म होती है बैचलर्स इन मेडिसिन, बैचलर्स इन सर्जरी, जो कि आपका 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें कि 4.5 साल आप अकेडमिक पढ़ाई करते हो और अगले 1 साल आप इंटर्नशिप करते हो, जिसमें कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है आपके कोर्स से रिलेटेड, कि आपको क्या क्या सर्जरीज करनी है, क्या दवाइयाँ देखनी है, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको उस इंटर्नशिप के टाइम में दी जाएंगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे कोर्स की तरफ, जिसका नाम है BDS, यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जो कि एक डेंटिस्ट का कोर्स है। डेंटिस्ट भी एक डॉक्टर होता है, लेकिन वो स्पेशलिस्ट होता है दांतों का। जब भी हमारे दांतों में कोई दिक्कत या परेशानी होती है, वही डॉक्टर होता है जो हमारी हेल्प करता है हमारी दांतों की दिक्कत को दूर करने में। ये 4.5 साल, एक्चुअली ये 5 साल का कोर्स है, जिसमें कि 4 साल की अकेडमिक पढ़ाई होती है और 1 साल की आपको इंटर्नशिप करनी होती है। काफी अच्छा कोर्स है, इसको भी आप परस्यू कर सकते हो। तो हम बात करते हैं अगले कोर्स के बारे में, जिसका नाम है BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसमें कि आप होम्योपैथिक दवाइयों से रिलेटेड एजुकेशन लेते हैं, जिसमें आप होम्योपैथिक दवाइयों की स्टडी करते हैं, और जो कि 4.5 साल की एकेडमिक पढ़ाई होती है और 1 साल की आपको इसमें इंटर्नशिप करनी होती है। होम्योपैथिक दवाइयों में साइड इफेक्ट कम होते हैं और लॉन्ग टर्म में ये रिजल्ट देती है, तो ये कोर्स भी काफी अच्छा है, इसे भी आप 12th के बाद परस्यू कर सकते हैं। तो अगला कोर्स है हमारा BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये एक उभरता हुआ कोर्स है, लोग इसे काफी करना पसंद करते हैं। जो लोग MBBS नहीं कर पाते हैं, वो लोग BAMS भी करते हैं, और काफी अच्छा कोर्स है ये, जिसमें कि आप आयुर्वेदिक दवाइयों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों की स्टडी करते हैं। ये भी 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें कि 4.5 साल की आपको एकेडमिक पढ़ाई करनी होती है और 1 साल के लिए आपको इंटर्नशिप करनी होती है। तो हमारा अगला कोर्स है BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। BUMS भी 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें कि 4.5 साल की आपकी एकेडमिक पढ़ाई होती है और 1 साल की आपको इंटर्नशिप करनी होती है। इसको करने के बाद आप एक नॉर्मल डॉक्टर की तरह काम कर सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी क्लिनिक में, या फिर अपना पर्सनल क्लिनिक भी खोल सकते हैं। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। आप बने रहिए हमारे चैनल पे। नमस्कार।